भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों का प्रदर्शन छठे दिन भी जारी रहा। पहलवानों ने एक बार फिर से ब्रजभूषण सिंह को पद से हटाने की मांग की। इसके लिए दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवानों ने दलील दी कि अगर ब्रजभूषण सिंह सांसद और कुश्ती संघ के अध्यक्ष बने रहे तो वो पद का दुरुपयोग करने के साथ साथ जांच को प्रभावित करेंगे, उनको जेल में डाला जाए। मेरा प्रधानमंत्री जी से नैतिकता के आधार पर एक अपील है कि उनको हर एक पद से हटाया जाए। पहलवानों ने साफ किया है कि जब तक ब्रजभूषण सिंह जेल नहीं जाते हैं तब तक उनका धरना जारी रहेगा। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पहलवानों ने कहा कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा है और वो अब तक हुई जांच से संतुष्ट हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस पर उन्हें भरोसा नहीं। आज हमारा कोर्ट का डिसीजन आया है लेकिन दिल्ली पुलिस पे हमें अभी भी ट्रस्ट नहीं है क्योंकि वो कोई भी क्योंकि हम 6 दिन से यहाँ बैठे हैं तो FIR करने में इन्होंने इतना टाइम लगा दिया। पहलवानों ने कहा कि उन्हें किसी कमेटी पर भरोसा नहीं है, इसलिए वो किसी कमेटी को कोई जवाब नहीं देंगे। कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ पहलवानों की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। दिल्ली पुलिस WFI अध्यक्ष के खिलाफ FIR दर्ज करने को तैयार हो गई है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को कहा कि वो नाबालिग पहलवानों की सुरक्षा खतरे को देखते हुए पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराए। मामले में अगली सुनवाई 5 मई को होगी। इस बीच केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि उन्होंने पहलवानों से मुलाकात कर कमेटी का गठन किया और उस कमेटी के सामने उन्हें अपनी बात रखने का मौका दिया गया। उस कमेटी के सामने जितने लोगों को पेश होना था सबको अवसर दिया गया। खेल मंत्री ने कहा कि निष्पक्ष चुनाव के लिए IOA को अधिकार दे दिया गया है जिसने अपनी एक कमेटी गठित कर दी है। WFI अध्यक्ष के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे पहलवानों ने धरने वाली जगह पर एक पोस्टर लगाया है। इस पोस्टर में ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ दर्ज मामलों को दिखाया गया है। इसके लिए पहलवानों की तरफ से एक लंबा पोस्टर तैयार किया गया और उसे जंतर मंतर पर लगाया गया। पोस्टर में कुश्ती संघ के अध्यक्ष पर दर्ज 38 मामलों का जिक्र दिखा। इस बीच भारतीय एथलीट और टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले नीरज चोपड़ा ने पहलवानों का समर्थन किया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि पहलवान इतनी मेहनत करते हैं कि उनको इस हालत में देखकर दुख होता है। इसके साथ ही उन्होंने लिखा कि इस मामले पर तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए और जल्द से जल्द न्याय मिलना चाहिए। वहीं भारत को क्रिकेट विश्व कप 1983 जिताने वाले कप्तान कपिल देव भी पहलवानों के पक्ष में उतर आए। कपिल ने इंस्टाग्राम पर विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया की तस्वीर साझा करते हुए लिखा, क्या इन्हें कभी न्याय मिलेगा। पहलवानों को फिल्म जगत से भी समर्थन मिल रहा है। अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर ने कहा, पहलवानों को आज न्याय नहीं मिला तो देर हो जाएगी। वहीं अभिनेता सोनू सूद ने भरोसा जताया कि देश के खिलाड़ी अन्याय के खिलाफ कुश्ती की जंग जरूर जीतेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पीएम मोदी पर दिए गए जहरीले सांप वाले बयान पर जुबानी जंग बढ़ती दिख रही है। बीजेपी विधायक बासन गौड़ा यतनाल खड़गे पर पलटवार करते हुए बदजुबानी में एक कदम और आगे निकल गए और कर्नाटक के बीजेपी विधायक बासन गौड़ा यतनाल ने कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी को विषकन्या बता दिया। कोपल में एक जनसभा को संबोधित करते हुए बासन गौड़ा ने कहा कि यदि प्रधानमंत्री जहरीला सांप है तो क्या सोनिया गांधी विषकन्या है। ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ। कांग्रेस ने कहा है कि बासनगौड़ा के खिलाफ FIR दर्ज कराएगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूछा है कि सोनिया गांधी को विषकन्या कहा जा रहा है, इस पर मोदी शाह क्या कहेंगे। अब इस मामले में नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी क्या कहते हैं ये पूरा देश जानना चाहते हैं। भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी के नेता बार बार सोनिया गांधी को टारगेट करते हैं और अब बीजेपी का चाल चरित्र चेहरा सबके सामने है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह विधानसभा चुनावों को लेकर आज कर्नाटक दौरे पर पहुंचे। इस दौरान धारवाड़ में उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे के जहरीले सांप वाले बयान को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस के नेता प्रधानमंत्री मोदी को जितनी गाली देंगे कमल उतने ही अच्छे से खिलेगा। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस प्रधानमंत्री मोदी को गाली देकर कर्नाटक की जनता को नहीं बहका सकती है। कांग्रेस वालों, आपकी मती मारी गई है, मती मारी गई है। मोदी जी को जितना भी गाली बोलोगे कमल इतना ही अच्छे से खिलकर बाहर आने वाला है। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस मोदी जी के खिलाफ जहर उगलने का पाप कर रही है। क्या राहुल गांधी यही तुम्हारी मोहब्बत की दुकान है? क्या उनके खिलाफ मैदान में आप नहीं निपट सकते? ऐसे निम्न स्तरीय शब्दों का इस्तेमाल करोगे? शिवराज ने कहा कि राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान में खड़गे नफरत बेच रहे हैं। कांग्रेस के नेता अपनी पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बचाव कर रहे हैं, साथ ही बीजेपी पर हमला करते हुए उसे दलित विरोधी बता रहे हैं।
इसके लिए कांग्रेस ने दलील दी है कि बीजेपी नेताओं को एक दलित नेता का पार्टी अध्यक्ष के पद पर पहुंचना बर्दाश्त नहीं हो रहा है। गांधी परिवार की आड़ में एक दलित के ऊपर हमला कर रहे हैं, सीधा तो नहीं कर सकते, लेकिन एक दलित अध्यक्ष को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। कांग्रेस का दावा है कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हालत खराब है, इसलिए उसके नेता बौखला गए हैं। जो हालत कर्नाटक की है ना, उसने विचलित कर दिया है मोदी जी और उनकी पार्टी को। वहां मिस्टर 40% से ध्यान हटाने के लिए शुरू से दलित विरोधी रही है भाजपा। कांग्रेस ने पूछा कि दूसरों का मजाक उड़ाने वाले पीएम ने क्या कभी किसी से माफी मांगी। बीजेपी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के जहरीले सांप वाले बयान के खिलाफ चुनाव आयोग से शिकायत की है। बीजेपी नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल आज चुनाव आयोग के अधिकारियों से मिलने पहुंचा। बीजेपी ने चुनाव आयोग मामले में केस दर्ज करने और कर्नाटक चुनाव प्रचार में खड़गे के चुनाव प्रचार करने पर रोक लगाने की मांग की। चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात के बाद केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा, ऐसा नहीं है कि जुबान फिसलने की वजह से खड़गे ने पीएम के खिलाफ जहरीले सांप वाला बयान दिया, बल्कि ये कांग्रेस की नफरत की राजनीति का हिस्सा है। वो कांग्रेस की उस गहरी घृणा की राजनीति का हिस्सा है, जिसमें कांग्रेस एक लोकप्रिय नेतृत्व के प्रति अपना व्यक्तिगत वैमनस्य रखती है। वहीं अभिषेक मनु सिंह भी, पवन बंसल सहित कई कांग्रेस नेताओं के एक प्रतिनिधि मंडल ने भी चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात की। कांग्रेस नेताओं ने चुनाव आयोग से गृहमंत्री अमित शाह और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयानों की शिकायत की। हमको हर दिन लेक्चर मिलता है, उपदेश मिलता है कैसे बोलना चाहिए। आप देखेंगे कि जैसे पहले मंत्रियों ने, बड़े बड़े वरिष्ठ बीजेपी नेताओं ने कहा है इस प्रकार की चीजें और कोई एक्शन नहीं लिया गया है। हमारे मुखर और प्रखर प्रधानमंत्री चुप रहते हैं। और इस समय एक बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच के मामले में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को तत्काल एक्शन लेने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि जब भी कोई नफरत फैलाने वाला भाषण देता है तो सरकारें बिना किसी शिकायत के FIR दर्ज करने के लिए स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई करें। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हेट स्पीच देने वाले व्यक्तियों के धर्म की परवाह किए बिना ऐसी कार्रवाई की जाए। हेट स्पीच से जुड़े मामलों में केस दर्ज करने में देरी होने पर इसे अदालत की अवमानना माना जाएगा। दो दिन पहले हमने आपको बॉलीवुड एक्ट्रेस क्रिस्टन परेरा की खबर दिखाई थी। क्रिस्टन परेरा को ड्रग्स रखने के आरोप में UAE के शारजाह में गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन मुंबई पुलिस और UAE में भारतीय दूतावास के दखल के बाद शारजाह प्रशासन ने क्रिस्टन परेरा को रिहा कर दिया है और वो 1-2 दिन में मुंबई लौट आएंगी। रिहा होने के बाद क्रिस्टन परेरा ने मुंबई पुलिस, भारतीय दूतावास और शारजाह प्रशासन का आभार जताया। असल में 23 अप्रैल को पुलिस ने उन दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया था जिन्होंने क्रिस्टन परेरा को धोखे से ड्रग्स देकर फंसाया था। जब मुंबई पुलिस को क्रिस्टन परेरा के साथ हुए धोखे का पता चला तो उन्होंने भारतीय दूतावास की मदद से उनको छुड़वाने की प्रक्रिया शुरू की। पकड़े गए दोनों आरोपियों ने बताया कि मोहल्ले के झगड़े का बदला लेने के लिए उन्होंने क्रिस्टन परेरा को फंसाने की साजिश रची थी, जिसके तहत उन्होंने एक ट्रॉफी के अंदर ड्रग्स छिपाकर क्रिस्टन परेरा को दी थी। और जब शारजाह एयरपोर्ट पर जांच के दौरान ड्रग्स मिलने पर वहां की पुलिस ने क्रिस्टन परेरा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। क्रिस्टन परेरा 26 दिन तक शारजाह सेंट्रल जेल में बंद रही, लेकिन अब बहुत जल्द वो वापस मुंबई आने वाली है। Z News.